जय माता रानी की। दोस्तों जुगराज हैं, आप सभी सफल हो आपका सारा काम। मैं दीपा नेगी, रुद्रप्रयाग जिला और घिमतोली गोवटी, आप सब होते मेरे सादर प्रणाम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दीपा नेगी पारी। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ, एकदम बढ़िया दिख रही हूँ आप लोगों के सामने। तो चलिए दोस्तों, आज फिर से नई ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, नई जोश, नई उमंग, नई हंसी और नई खुशी के साथ। तो सबसे पहले आप सभी को राम अयोध्या जाने की ढेर सारी और हार्दिक शुभकामनाएं। श्री राम भगवान जी आज अपने अयोध्या में जा रहे हैं और आज है 22 जनवरी। तो मैं आ रही हूँ अपने मायके में, और मायके में मैं हूँ अपने भोलेनाथ जी के मंदिर में। अभी हमारे गांव में भोलेनाथ जी का मंदिर है और नौली गांव में है भागवत और भूतेनाथ जी है 42 शहरे में। तो हमारे यहाँ के भूतेनाथ भी वही है और नौली गाँव के भी वही है। तो आज नैल गाँव द्वारा नौली गाँव में भंडारा दिया जा रहा है, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं यहाँ से ढोल दमाओं के साथ। तो अभी ना अंदर पूजा चल रही है और बहुत ज़्यादा भीड़ भी है और कुछ लोग चले गए, तो हमें भी जल्दी जाना है। तो अभी ना हम पहुँच चुके हैं आधे रास्ते पे। क्या बोल दलो ये फोन क्या सेना बुतेरा सेना। तो नीचे ना सड़क जा रही है नौली गांव के लिए, लेकिन हम शॉर्ट से जा रहे हैं क्योंकि सड़क से हमें दूर पड़ जाएगा। तो मेरे मायके के सारे गाँव की महिलाएं, भैया लोग सब चल रहे हैं ढोल दमो लेके, लेकिन हम ना उनको नहीं छपिया पा रहे भाई। ये हमारी नई नवेली दुल्हन, इसकी शादी में मैं गई थी देवपुरी। तो अभी चल रहे हैं, सांस भी फूल रही है। हाँ चढ़ाए सरयास जाने गोरा श्याई किले रे गे माथा को मुकुट गोरा माथा मा सजे गे तुन सरयास जाने गोरा श्याई किले रे गे उठ जागो राहो तैयारी घम डालू मैगे
तो अभी मैं पहुंच चुकी हूं अपने भूतनाथ जी के शरण में और अभी हम यहां पे मतलब व्रत है अभी तक, तो ड्राई फ्रूट खा रहे हैं सब यहाँ पे। तो ना यहाँ पे आज हमारे गांव द्वारा भंडारा किया गया है और हमारे मिलाऊंगी मैं आपको सबसे एक एक करके। तो फिलहाल आपको मिलाते हैं अपने व्यास गुरु जी से। तो मैं तो धन्य होगी आपके दर्शन पा के, सच में मतलब कितने टाइम बाद आपसे मिली हुई, मुझे सच में इतना अच्छा लगा, मैं क्या बताऊं। और मुझे विश्वास नहीं, आप भी देखते थे मेरे वीडियो, मुझे लगा नहीं कि आप देखते होंगे। नहीं, हम देखते हैं, बच्चे देखते हैं। तो बहुत अच्छा लगा, बस अपना आशीर्वाद मेरे साथ भी बनाए रखना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। तो बहुत बड़ा स्थान है व्यास जी का, तो बहुत बड़ा स्थान ही रहता है, तो आपका हमारे आशीर्वाद बना रहेगा हमारे साथ भी। तो हम भी लगे हैं और यहाँ पे ना देखिए सबसे मिलाते हैं हम, ये नोली गांव से भैया मामा और नानी, मैं मामा जी लगते हैं मेरे। तो हनुमान जी ने भी मुझे दर्शन दे दिए थे आते ही और अपना आशीर्वाद भी दे दिया था, तो अपना आशीर्वाद बनाए रखना मेरे साथ। तो यहाँ पे सब लोग यहाँ पे आज अभी ना बैठ रखे हैं, देखो और अभी आपको मिलाऊंगी मैं अपने तुंगेश्वर महादेव जी के पंडित से, पुजारी जी से। तो ना मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं मतलब मैं आपको देखती ही रहती हूँ, ऐसा लगता जैसे ना आपको देखती हूँ, मुझे ऐसा लगता जैसे मैंने तुंगनाथ भगवान जी के दर्शन कर लिए और आपने मेरे को नहीं पहचाना। पहचाना तो सही, पर थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा था चेहरा तो तुम्हारा मेरे। भगवान आपका कल्याण करे, हमारे बोले हमारे गुरु जी आप पहले से ही मेरे को बहुत अच्छा मानते थे, या अच्छे समझता है। तो आज सौभाग्य प्राप्त हुए कि आप लोग दर्शन हुए गए थे, अपना आशीर्वाद लेकर आके हमेशा। तो बहुत अच्छी लगी आज, मैं थी ये ना मतलब मैं ससुराली में थी। तो ये देखिए राजा बयाली भूतनाथ बाबा पांजे की डाली बोल भगवान प्रसिद्ध खदेड़ पट्टी का भगवान जो आदि शक्ति है वो भगवान बयाली भूतनाथ। इस खदेड़ पट्टी का 30 जुला जो क्षेत्र है वो वहाँ के आदि शक्ति भगवान यहाँ पे बयाली भूतनाथ जो तुंगनाथ जी ही के समान यहाँ पे विराजमान। ये सबका कल्याणार्थ, सब लोगों की भावना इस क्षेत्र से जुड़ी हुई है, सबके मनोरथ सिद्ध होते हैं,
और सबका कल्याण होता है। हम आशा करते हैं सभी लोग भगवान के प्रति आस्था रखते हुए यहाँ पे शिव पुराण का आयोजन चल रहा है, यहाँ पे दर्शन करें और इसका सौभाग्य प्राप्त करें। आपका कल्याण। आप लोग जानते भी होंगे इन्हें, तुंगनाथ में तो देखा होगा आप लोगों ने, तो यहाँ तुंगनाथ भगवान जी का निशान भी आ रखा है, तभी यहाँ भागवत जो है वो सिद्ध होता है। तो अभी ना मैं फिलहाल ड्राई फ्रूट खा लेते हैं, तो ठीक है। प्रोग्राम होगा 11 बजे से तीर्थ यात्रा प्रारंभ होगी, तो ग्राम सभा नैल, शिदेली, कलसेवे, नौली और अन्य जितने भी ग्राम हैं सारे गांव से बालिकाएं 9 साल से लेकर के 15-16 साल तक की बालिकाएं जल यात्रा में शामिल होने की कृपा करें। लोटा आचार्य जी, अभी आपसे निवेदन है कि आप भंडारा ग्रहण करें और सबसे हमारा आग्रह है कि हमारे बीच में हमारी क्षेत्र की बहन दीपा नेगी पहाड़ी, आप सभी जानते होंगे दीपा नेगी पहाड़ी उत्तराखंड की ब्लॉगर है, बहुत मानी जानी ब्लॉगर है, शाम को हमारे विशेष आग्रह पे वो यहाँ पे कीर्तन करेंगे, तो शाम को सभी महिलाओं से जो यहाँ रहना चाहते हैं चाहे गुड़म नैल मसोली जहाँ से भी अच्छी से, आप शाम के भोजन के बाद यहाँ पे बहुत अच्छे ढंग से कीर्तन करेंगे दीपा नेगी पहाड़ी के साथ। धन्यवाद। अभी ना हम भंडारे में बैठ चुके हैं और पहले तो मैंने सोचा था कि नहीं खाएंगे, लेकिन अभी तक मेरा बराती था, यानी टाइम 2 बजने वाली है, तो अभी तक बराती था मेरा, तो अभी आरती वगैरह कर ली है, तो आज रात को यहाँ पे मेरे द्वारा कीर्तन दिया जाएगा, यानी बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, बहुत अच्छा मान सम्मान मिला, आज रात को मेरी मैं अपने ओर से यहाँ पे कीर्तन कराऊंगी, यानी मुझे बोला गया है कि आप यहाँ पे कीर्तन रुकोगे, तो आज शायद आज रात को यही रुकना होगा, यानी आधी रात को तो चली ही जाएंगे घर पे, तो मैंने कहा खा लेते हैं प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं। तो फिर दोस्तों अभी ना हमने प्रसाद ग्रहण करके और हम अभी इधर घूमने आ रखे थे, क्योंकि इधर मेरे फ़ोन पे नेटवर्क भी नहीं था, तो हम इधर गए थोड़ा घूमने, ध्यान इकट्ठा हो रखी ना, तो आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए। अभी यहाँ पे रेखा भी आ रखी है जिसको आपने गोचर में देखा होगा। हेलो, आज हम यहाँ भागवत सुनने आ रखे हैं, यहाँ हमारे यहाँ हो रखा है, तो अभी जाना है नौली गाँव में, तो आप लोग भी आ जाना, सब लोग भागवत सुनने के लिए। हाँ। हो रहा है यहाँ। तो आप सब लोग आना सब तो भी रेखा भी सीधे गोचर से आ जाए और ये है यहाँ पे, यह इसकी शादी है, आप जब भी होगी तो इसकी शादी में आऊंगी मैं, और इसकी शादी तो हाल ही में हुई, देखो मैं और इसकी शादी इसकी शादी में ना मैं नहीं आ पाई ना, तो कोई नहीं, इसकी शादी में तो जरूर आना है, ठीक है, फिर मिलेंगे दियानी एक साथ नहीं, अरे राम। तो बहुत ही अच्छा लगा, अभी ये ससुराल जा रही, वाल मैं नहीं तो बोलती है क्या फटी, अभी जाने आइए फिर दो उसका हमेशा आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, और अगर
कोई श्रेष्ठ व्यवहार करने के लिए जा रहा है, अच्छा व्यवहार करने के लिए जा रहा है, अच्छे कार्य को करने के लिए जा रहा है, तो उसका भी हमेशा आदर करना चाहिए। तो भगवान शंकर ने माता पार्वती को अपने वामांग में स्थान दिया। वामांग में पत्नी का स्थान होता है, तो अपने वामांग में बिठाया। माता पार्वती गदगद हो गई, प्रसन्न हो गई। माता ने पिछले जन्म का स्मरण किया कि पिछले जन्म में जब माता पार्वती भगवान शंकर के पास गई थी, तो उन्होंने भगवान शंकर ने पार्वती जी को अपने सामने बिठाया था, क्योंकि उस समय क्या किया था पार्वती ने कि भगवान राम के ऊपर जब शंका हुई तो माता सीता का धारण किया था। तो भगवान ने शंकर ने कहा कि सीता तो मेरी माता के समान है, तो माता को वामांग में कैसे बिठाऊं। इसलिए भगवान शंकर ने उस समय जो है पार्वती को अपने सामने बिठाया। तो कह रही है बड़ी प्रसन्न हो गई। भगवान शंकर कहते हैं कि हे पार्वती, क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो। तो माँ पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, मैं पूछना चाहती हूँ, यदि आप मुझे अपने चरणों की दासी मानते हैं तो हे नाथ, आप मेरे अज्ञान का हरण कर दीजिए। जो मेरे मन में अज्ञान भरा हुआ है, उस अज्ञान को दूर कर दीजिए। भ्रम क्या है आपके मन में, क्या है वो मुझे बताइए। तो माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, जो ऋषि मुनि लोग हैं, जो परमार्थ तत्व को जानने वाले हैं, परमार्थ के पथ पर चलने वाले हैं, वो कहते हैं कि राम जी ब्रह्म है, और शेष सरस्वती वेद पुराण सब राम जी की महिमा का गान करते हैं, सब राम जी को ब्रह्म बताते हैं। और आपको भी मैं देखती हूँ कि आप भी दिन रात कैलाश पर्वत पर बैठ करके राम 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 इस मंत्र का जप करते रहते हैं, इस नाम को जपते रहते हैं। तो हे प्रभु, मैं पूछना चाहती हूँ कि आप सब लोग जो है राम की चर्चा करते हैं, राम के नाम का गुणगान करते हैं। पार्वती जी कहते हैं कि ब्रह्म कैसे जन्म ले सकता है, और ब्रह्म जन्म लेकर के राजा का बेटा कैसे बन गया, और यदि राम जी राजा के पुत्र हैं तो राजा के पुत्र को आप लोग ब्रह्म क्यों कह रहे हैं, और इस जन्म में उनकी महिमा को सुनकर के पिछले जन्म में वही लीला देखी थी। भगवान राम ने जो है पार्वती जी को पहचान लिया था जब सीता का अवतरण किया हुआ था, वो जो लीला कर रहे थे उस लीला को देख करके। और इस जन्म में कह रही है कि जो सब लोग उन्हीं राम की महिमा को गा रहे हैं, तो हे प्रभु मेरे मन में भ्रम उत्पन्न हो गया है। लेकिन आप ये मत समझिएगा, Oh,
सज्जन होगा, अच्छा व्यक्ति होगा, तो उसकी केवल सूचना आई है कि फलाना व्यक्ति आ रहा है, सज्जन व्यक्ति है, अच्छा व्यवहार रखता है, तो पता चला जैसे ही, तो घर में लोग बातें करते हैं कि फलाना व्यक्ति आ रहा है, तो बड़े आनंदित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि उससे मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे, तो आनंद आता है। और यदि कोई दुष्ट आने वाला है, दुष्ट स्वभाव का व्यक्ति कोई आता है, उसके बारे में पता चलता है तो पहले ही चर्चा होने लगती है घर में, अरे कहां से आ रहा है, ये क्यों आ रहा है हमारे घर में, इस राधा दशरथ के घर पर राम।
राजा दशरथ के घर पर चार पुत्र पैदा हुए हैं। तुम भी सुनो, अब तुम भी सुनो, राजा दशरथ के घर पर ही चार पुत्र पैदा हुए हैं। तुम भी सुनो, तुम भी सुनो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ओ नगरवासियों सुनो, सुनो, तुम भी सुनो, तुम भी सुनो, राजा दशरथ के घर पर चार पुत्र पैदा हुए हैं। बधाई हो, बधाई, बधाई हो, बधाई, हा हा हा, खाओ से, खाओ से, खुशी मनाओ, खुशी मनाओ, एक खराब लड़का पुत्र रात्रि पैदा हुए हैं चार। दशरथ के यहाँ उनकी तपस्या के अनुसार मन और सत्रोपा के रूप में भगवान उन्होंने जो पूर्व जन्म में तपस्या की थी उनके अनुसार राजा दशरथ के रूप में मनु जी का अवतरण हुआ था और कौशल्या के रूप में सत्रोपा का अवतरण हुआ। उनकी तपस्या के अनुसार भगवान ने जो उनको वरदान दिए थे आज उनके घर में चार पुत्र रत्नों की उत्पत्ति हुई है। लोकाभिराम श्री राम के रूप में भगवान पधारे हैं सबके मंगल के लिए। जो मंगल वेला आई है सबका कल्याण हो। हरि ओम स्वस्ते न इंद्र वैदर्भा स्वस्ते न पुखा विषुवः वेला स्वस्ते न तारक्षो अरिष्टानेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुजा मा देवा वज्रं वज्रैव च भिर्जयतिराः तेरे रङ्गे तुस्तु वागुंसस्तैनौ गिरिवशै महि देवहितं जदायो मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायतनं हरे तो महाराज आपके घर में ये जो चार पुत्र रत्न उत्पन्न हुए हैं ये सबसे बड़े जो लोग को अभिराम देंगे भगवान सारे संसार को सुख प्रदान करेंगे ये लोग अभिराम श्री राम राम के राम नाम से विख्यात होंगे। इनका नाम राम होगा। महाराज ये जो दूसरे पुत्र व्रत के रूप में रानी की गोद में विराजमान है ये विश्व के भरण और पोषण में इनका बड़ा योगदान होगा और ये धर्म के पुरंदर होंगे धर्म को धारण करने वाले होंगे। इनका नाम भरत होगा। और ये तीसरी रानी के गोद में ये दो पुत्र रत्न आपको प्राप्त हुए ये लक्ष्मण के स्वरूप में होंगे और दूसरे शत्रु के हनन करने के रूप में इनका नाम शत्रुघ्न होगा। इस तरह ये सारे प्रजा को सारे संसार को सुख प्रदान करेंगे और इस धराधाम में आपकी कीर्ति पताका को फैलाएंगे आपका कल्याण होगा। ॐ आनो भद्राः क्रतभूदन्तो विश्वतो दवदाशो अपारिताः शौदपीडाः
अचंदपरा यो रक्षितार दिवे दिवे देवा नाम बदरा सुमतेरे जुयतां देवाना गौरा तेरा भीन निवर्तता भरत शत्रु कर्म की जय लक्ष्मण जति की जय चारों भैयन की जय I'm
अभी टाइम हो चुका है 5:30 और अब हम निकल चुके हैं यहाँ से घर के लिए। और न ये इसको मैं बोले यहाँ मेरा कार्यक्रम है रात में यानी कीर्तन करूंगी, तो ये मना कर रही आने को, नहीं आएगी तो इसको वीडियो में तब नहीं देखेंगे आप, तो तब तब आना पड़ेगा। और मेरी भाभी लोग इनको तो निकाला ही नहीं मैंने वीडियो में, ये मिले नहीं मैं मिला, तो मेरी भाभी है, भाभी की बहू है वो, तो भाभी मेरी बड़ी फैन है नी भाभी। और मैं माँ को जाइए देखो यमा शॉर्ट कर जानी।